दोस्तों इस वीडियो में आपको एक माइंड रिंग मैजिक का सीक्रेट बताने जा रहा हूं। इस मैजिक को संदीप महेश्वरी सर ने अपने शो में ऑडियंस को करके दिखाए हैं, तो इसको किस तरह से दिखाए हैं वो जरा देखिए। सबसे पहले एक नंबर सोचिए, ऑडियंस को बोलते हैं कि कोई एक से दस के बीच में कोई भी एक नंबर सोचिए। कोई भी नंबर हो सकता है, वो दो से दस के बीच। सभी ऑडियंस कोई नंबर सोच लेते हैं, फिर इसके बाद बोलते हैं कि इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करिए। सभी ऑडियंस जो नंबर सोचे हुए रहते हैं उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद बोलते हैं कि जो भी रिजल्ट आया है उसको आपस में ऐड कर दीजिए। जैसे कि किसी का 15 आया तो 1 और 5 आया इसमें, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 निकल कर आ जाएगा। उन दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस कर दीजिए। तो जो भी ऑडियंस का मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आया उसको जो भी दो डिजिट का संख्या था उसको आपस में जोड़ने के लिए बोले। सभी ने जोड़ दिया। फिर इसके बाद बोला कि अब उसमें से कोई भी एक से दस के बीच का नंबर आप घटा दीजिए। अब उसमें से कोई एक नंबर माइनस कर दीजिए। फिर वो खुद बोलते हैं कि 5, 6, 7 घटाइए, और फिर बोलते हैं कि चलिए 5 ही घटा लीजिए, 5 पकड़ लेते हैं। चलो 5 पकड़ लेते हैं, 5 माइनस कर दो। तो सभी ऑडियंस 5 को माइनस कर देते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसे बोलते हैं कि जो रिजल्ट आया है इससे किसी कंट्री का नाम सोचना है। इस अल्फाबेट से आप किसी भी कंट्री का नाम सोच सकते हैं। यानी कि अगर किसी का रिजल्ट 1 आया तो उसे अल्फाबेट में ए, और 2 आया तो अल्फाबेट बी, और सी आया तो अल्फाबेट सॉरी 3 आया तो अल्फाबेट सी। यानी कि जो भी रिजल्ट आया है उससे एक जो ABCD का अक्षर है उससे किसी एक देश का नाम सोचना है। अब देश का नाम सोच करके ऑडियंस को फिर बोलते हैं कि चलो थम्सअप दिखाओ, थम्सअप दिखाते हैं। फिर बोलते हैं कि चलो जो कंट्री का नाम है उसका जो सेकेंड लेटर है उससे एक एनिमल्स का नाम सोचिए। उसके अगले अल्फाबेट से आप किसी एनिमल का नाम सोच। तो ऑडियंस एनिमल्स का नाम सोचता है, और फिर अंत में संदीप महेश्वरी सर एनिमल्स का भी नाम बता देते हैं, ग्रेइश ब्लैक कलर के एलिफेंट के बारे में, और कंट्री का भी नाम बता देते हैं। तो डेनमार्क। देख रहा है विनोद कैसे बात के घुमा घुमा के गणित के फॉर्मूला लगा के गांव देहात के आदमी के देश विदेश का नाम सोचवाते हैं। तो इस खेल में गणित के एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है, और इसको इस तरह से घुमाया गया है कि सभी लोग यह सोचना भी बंद कर दिए कि यहाँ पे किसी गणित का फॉर्मूला के साथ इसे तोड़ मरोड़ किया गया है। तो क्या फॉर्मूला है उसे आप देखिए, गौर से देखिएगा। सबसे पहले वो बोलते हैं कि 1 से 10 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचना है। तो नंबर आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब नंबर आता है। इसके बाद वो बोलते हैं कि जो नंबर आप सोचे हैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, तो यहाँ पे सभी को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस सभी में कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे वो बोलते हैं कि इसको ऐड कर देना है एक दूसरे के साथ, जो भी 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया है तो उसको एक दूसरे के साथ ऐड करना है। तो उसको जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 1 और 8 को जोड़ेंगे 9 आएगा, यहाँ 2 और 7 को जोड़ेंगे फिर 9 आएगा, यहाँ 6, 3 को जोड़ेंगे 9 आएगा, यहाँ 5, 4 को जोड़ेंगे 9 आएगा। तो सभी को एक दूसरे के साथ ऐड करने पे 9 आता है। यानी कि अब यहाँ से जो भी कोई नंबर सोचा था वो सबका रिजल्ट आ गया 9। अब फिर अगले टाइम बोलते हैं कि जो जोड़ने के बाद संख्या प्राप्त हुआ है, जो रिजल्ट आया है उसमें आप 5, 6, 7, 5, 6, 7 कोई भी संख्या माइनस कर दीजिए। तो इसमें से बोलते हैं, खुद ही बोले हैं यहाँ पे, आप वीडियो को गौर से देखिएगा तो समझ जाइएगा कि बोलते हैं चलो 5 पकड़ लेते हैं। तो अब यहाँ से खुद ही वो 5 पकड़ा देते हैं, सभी ऑडियंस 5 पकड़ लेते हैं। तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4 आएगा, तो सभी का यहाँ पे 5 माइनस करने के बाद 4 ही रिजल्ट आया जो भी ऑडियंस बैठे हैं। अब बोलते हैं कि जो 4 आया है, जैसे अल्फ़ाबेट में ABCD जो रीजनिंग पढ़े हुए उनको अच्छी तरह से याद होगा, तो इस तरह से जो आपको नंबर आया है यहाँ पे जैसे 4 आया है तो इसे आपको एक लेटर पकड़ना है, तो ये D आ जाएगा। तो यहाँ पे D आ गया सबका, सबका आंसर यहाँ D आ गया, क्योंकि D चौथे स्थान पर आता है ABCD में। अब फिर बोलते हैं कि इस D से कोई एक देश का नाम सोचना है यहाँ पे, नहीं तो किसी फल का नाम सोचना है, यहाँ किसी कंट्री का नाम सोचने के लिए बोल रहे हैं। तो अब D से कौन कौन से कंट्री आता है, तो सभी ऑडियंस सोच लेते हैं डेनमार्क। अब डेनमार्क सोचने के बाद अब बोलते हैं कि जो इसका सेकेंड है, जो इसका सेकेंड लेटर है
उसे किसी एक जानवर का नाम सोचना है तो इसका ई आया सेकंड में ई, और ई से किसी के भी मन में एक ही जानवर का नाम आ सकता है, वो है एलिफेंट। तो एलिफेंट बोलते हैं कि अब जो जानवर का नाम आपके दिमाग में आ रहा है उसको कलर भरिए वगैरह वगैरह बातों में घुमाते हैं। इसके बाद बोलते हैं कि आपने जानवर सोचा है वह है हाथी, एलिफेंट, और देश डेनमार्क। तो बस यहीं पर इस बात को घुमाने का काम किया गया है और एक मैथ के फॉर्मूला से इस मैजिक को अंजाम दिया गया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको इसका सीक्रेट पता चल गया होगा। अगर आपको किसी और तरह का भी मैजिक का सीक्रेट चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा।